मोहब्बत इंसान में ठहराव ले आती है। वो ऊपर से जितना पुरसकून नज़र आता है, अंदर से उतना ही बेचैन होता है। मोहब्बत चाहे जैसी भी हो, सजदा करना सिखा देती है। हैरत की बात है कि हम ज़्यादातर उन्हीं लोगों की बातों की फ़िक्र में खुले जाते हैं जिनकी वजह से दर हकीकत हमारी ज़िंदगी अजीरन होती है। धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों सूरतों में आंख तो जलती है। अधूरी खुशी मुकम्मल गम से ज़्यादा अजियतनाक होती है। तन्हाई आसपास लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं, हमारे आसपास मौजूद लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तन्हा करती है। खुद को गुम कर देने के लिए किसी जंगल या वीराने की ज़रूरत नहीं होती। इंसानों का हुजूम भी खुद को खो देने के लिए बड़ा कारामद साबित होता है। ये खुद को कितना मुकम्मल कर देने वाला एहसास होता है कि कोई इस दुनिया में ऐसा भी है जो अपनी तन्हाई में आपको सोचता है, आपकी फिक्र करता है, आपकी याद उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान बिखेर देती है। अपने आप को इतना हकीर मत जानो, ये दुनिया मरे हुए को मजीद मारती है, मगर जो सीना तान कर इसके सामने खड़ा हो जाए और इस दुनिया को ललकारे उसी को सलाम करती है। दुनिया को ललकारना सीख लो। मोहब्बत करने वाले अपने अंदर कोई खोट कैसे पाल सकते हैं? मोहब्बत हमारे अंदर इतनी जगह ही कहाँ रहने देती है कि कोई और जज्बा समा सके। मोहब्बत हमें अंदर से भर देती है, मुकम्मल कर देती है। सच्चाई और खालसपन की जितनी ज़रूरत दुश्मनी के जज्बे में होती है, उतनी तो शायद दोस्ती में भी ना हो। दुश्मन खालिस म्यारी ना हो तो आला ज़र्फ़ हरीफ का मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाता है।